मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के तत्वावधान में बुधवार को कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। सम्मान समारोह में कोरोना संक्रमण काल में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, चिकित्सकों, पुलिस एवं मीडिया कर्मियों सहित सामाजिक क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव और उसके प्रभाव के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉ सुधाकर पांडे एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ मुमताज खां, अरविंद राय, सतीश पांडे, अरुण कुमार मुन्ना सहित अन्य पत्रकार और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर के मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय ने कहा, खासतौर से बहुत जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं और कई से हम लोगों ने संपर्क स्थापित करते हुए उनके विषय में काफी कुछ जानने की कोशिश भी की है और उनकी मंशा क्या रही है वो भी जाना है। लोकप्रिय जिलाधिकारी के रूप में हम लोगों ने कमिश्नर साहब को भी यहाँ देखा है। यही पे एडीजी का जो पद आया तो एक पद आ गया, एक अधिकारी आए, लेकिन एक अधिकारी ने ऐसा महसूस कराया कि हाँ एडीजी यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। बड़ा खुशी का माहौल है कि ऐसी विभूतियों का चयन करके पत्रकार समिति ने, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति ने एक छोटा सा आयोजन यहाँ करने का एक छोटा सा रूपरेखा तैयार की और ये किस तरह से लोग ला करके अपना काम कर सके। अभी मैं आज ही देख रहा था कि निर्देश दिया स्वागत करें तो बाद में हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अखिल कुमार जी, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति बहुत कम समय में इस आयोजन का निर्णय लिया और आपने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करा करके हम लोगों को संबल प्रदान किया। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आप आए हैं लगातार कोरोना संक्रमण काल में अपनी स्कीम के साथ समाज के बीच में रख करके लोगों की मदद कर रहे हैं। अतिथि तो बुलाए ही हैं, मैं अपने साथियों के साथ विचार विमर्श ही हैं। साथी, हम इस आयोजन में चाहेंगे कि हमारी एक छोटी सी भेंट भी आप स्वीकार करिएगा और साथी जब भी कभी कोई विपदा या कोई कष्टकारी समय आए तो इसी तरह खड़े रहिएगा। अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ स्वागत करते हैं। आपकी पूरी टीम निश्चित तौर पर इस कोरोना संक्रमण काल में ही नहीं, इसके पहले भी चार दिन बढ़ती रहा, निश्चित तौर पर हमारे चिकित्सक साथियों ने गोरखपुर को इस विपदा में जिस तरह का संबल प्रदान किया है, हम सभी लोग तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हैं। आप यहाँ आए, आपने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। श्री दिनेश कुमार चौल, पार्ट पेमेंट वाला कोई काम नहीं क्या भैया? डॉक्टर राजेश तिवारी जी आ जाइए। एडीजी सर आपको देंगे, कमिश्नर सर अपनी प्रभारी है, डॉक्टर डी के राय, नहीं गौतम गुप्ता जी,
फादर साहब को प्लीज। आशा भाई थोड़ा आ गया हमने जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था मार्च में ज्वाइन किया लास्ट वीक में जिस दिन आगमन हुआ था उसी दिन बीबीएपी में से भी उसके बाद से फिर लगातार कोरोना के केस कुछ दिन बाद बढ़ने शुरू हो गया था तो लगातार उसके बाद तमाम क्राइसिस को बीच में फेस करना पड़ा। काफ़ी मात्रा में लोग इन्फेक्ट हुए थे, लॉकडाउन लगा, एक लंबा प्रोसेस चला। फिर अब आके धीरे धीरे नॉर्मल सी लॉक क्या रहा है कि आपने एक शब्द बोला था कि आगे थर्ड वेव के लिए क्या तैयारी करना है। सबसे पहले तो सबको मास्क पहनना है, गर्दन पे नहीं चेहरे पर। तो और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि अब आज के डेट में बाजार में लाख बार एनफोर्स करने के बाद भी लोग मास्क लगाने के लिए फिर तैयार नहीं है। अब ऐसे में गवर्नमेंट मशीनरी भी कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक एनफोर्स करेगा, क्या जुर्माना और मुकदमा ही एक विकल्प है या स्वयं की जिम्मेदारी भी एक कोई चीज़ है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और फिर एक दिन दरवाजे का दिमाग खराब होता है, दो चार डंडा पड़ जाता है, फिर आप लोग निकाल देते हैं। हालांकि मैं उस चीज़ को एडवोकेट नहीं करता हूँ, बट एक ही एक लेवल होता है समझाने समझाते समझाते। यहाँ बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, एक यहाँ तक कि पत्रकार साथी हूँ भी इसके कोरोना से उनकी जान गई है। और मेरे अफसोस की बात ना, एक पत्रकार जी का फोन आया था मेरे पास उनकी वाइफ के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनके बेटर हाल तो बच गए हैं बट वो नहीं बच पाए। बात करते करते 3 दिन बाद पता चला उसके उनके जो हो गया था, बड़ा कष्ट हुआ, बहुत भारी रहा, उसके परिवार से भी न मिला। उस वक्त जो रेमडेसिविर की हो या फिर जो मैं मुँह पे तारीफ करने वाली बात नहीं है, बट कि इस वक्त जो इस शहर का जो टीम है, चाहे हमारे विभाग में जो मुखिया है ADC जोन महोदय, कमिश्नर महोदय साहब, DM साहब, हमारे पूरा पुलिस की प्रशासनिक टीम हो, CMO और मेडिकल टीम हो या नगर आयुक्त साहब हो, उनके पूरा स्टाफ हो, एक होता है ना पॉजिटिविटी का वायरस है। और जो हमारे बीच सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं आज जिनको सम्मानित किया, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। में स्टार्टिंग फ्रॉम लेट मार्च ये वेव आया, ये हमारा सब वाकिफ है, एक बहुत ही भयावह समय से गुजरा है। फेज वन जो वेव टू था, क्योंकि आप लोग भी मोर्चे पे थे, हम लोग भी थे और हर आदमी इससे प्रभावित हुआ और ऐसा तेजी से ये वेव आया जो अप्रत्याशित रूप से ऑलमोस्ट ऐसा कोई परिवार नहीं है जब तक वो स्वयं या उसके एक्सटेंडेड फैमिली में इसको इसने किसी ना किसी रूप से इम्पैक्ट नहीं किया, या तो लोग कोरोना से ग्रसित हुए या कोई ना कोई मृत्यु हुई। और ऐसी भयावह स्थिति थी कि रिश्ते खत्म हो गए। अभी SSP साहब ने बताया कि जहां कोरोना हुए तो परिवारजन ही डिसोन करके बहुत सारी भ्रांतियां भी थी, मतलब मानवीय असंवेदनशीलता जो हो सकती है वो प्रकाशा पे भी देखने को मिले। उस
काल को किसी तरह अब हम लोग निकल के बाहर की ओर आ रहे हैं, परंतु जो विषय है आज कि उस काल में जो हमारे बीच में जो ये वॉरियर्स हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है हमारे पत्रकार बंधुओं द्वारा, ये बहुत जरूर और बहुत सार्थक कदम है कहूंगा। ये लोग वो नहीं है जो किसी सम्मान के लिए काम किए, ये तो अभी आपने किया, ये सेल्फलेस लोग थे जो अपनी भावना से अंदर से खुद ही उत्साहित होके खुद ही प्रेरित होके उनके अच्छे संस्कार होंगे परिवार के या मानवता उनके अंदर में कूट कूट के भरी होगी कि वो स्वयं आए और ऐसे वक्त में जहाँ सभी लोग छोड़ रहे गए थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भर के पाया। हम लोग क्या हिंदुओं में मानी जाती है कि भगवान विष्णु का अवतार होता है जब जब मानवता खतरे में आती है और भगवान अवतार लेते हैं और उसको कष्ट से निवारण करते हैं अलग अलग रूपों में। इस विषय में ये सभी लोग विष्णु के अवतार ही, किसी ना किसी भगवान ने फिर अवतार लिया इनके रूपों में और हमको आपको इस बीमारी से निकलने के लिए मदद किया। तो मेरा सच सच प्रणाम आप लोग का, आप लोग भावना से इस काम को किए हैं और यहाँ तक लाए हैं। इसमें कई प्रकार के लोग हैं, डॉक्टर्स थे, पुलिसकर्मी थे, सफाई कर्मी थे, सिटीजंस थे, पत्रकार बंधु थे, ये सभी लोग इम्पोर्टेंट थे क्योंकि यही एक फंक्शनल विंग था जो समाज को इकट्ठा करके चल रहा था। हमें मीडिया के मामले से सूचना मिल रही थी, अगर वो सूचना नहीं मिलती तो रिस्पांस कैसे करते। आप चैनलों के माध्यम से, अखबार कभी बंद नहीं हुआ, बहुत सारी सेवाएं बंद हो गई बट अखबार चलता रहा, चैनल चलते रहे और हम अपने घरों से बैठकर सूचना मिलती रही। तो अगर वो सूचना हमारे पास आती नहीं तो हम रिस्पॉन्ड क्या करते। तो बहुत महत्वपूर्ण आप पत्रकार बंधुओं ने काम किया, अपने जीवन को रिस्क पे डालकर यहाँ तक सूचनाएं पहुंचाई। डॉक्टर्स अपने लाइफ को, अपने परिवार के लाइफ को रिस्क करके खड़े रहे और गरीबों और जरूरतमंद को मदद की। ये जो भावना है, जो ये काम है, इसका कोई इवैल्यूएशन नहीं हो सकता। ये जो आपने कदम उठाया, मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ अपने गोरखपुर के पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आइडेंटिफाई किया। मैं चाहता हूँ कि इनके सभी लोगों के लिए आप अवश्य इनके जो काम है उनको थोड़ा विस्तृत रूप से अपने अखबारों में जगह दें, इनके फोटो के साथ कि इन्होंने किस प्रकार उन कामों को किया है। रेडियो से भी आपकी हमारे साथ होगी। कोरोना संक्रमण काल में पीड़ितों की मदद करने के लिए जिस भी संस्था या विभाग के लोगों ने मदद की थी, बेहतर काम करने वाले लोगों को आज हम लोगों ने मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की तरफ से सम्मानित किया है। अधिकारियों की उपस्थिति में हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो जहां है अगर बेहतर काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है तो सम्मान का पात्र है। हम लोगों ने प्रतीक के तौर पर कुछ लोगों को सम्मानित किया, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा जो हमारी सोच उन सारे लोगों का सम्मान करने के लिए है कि जिन लोगों ने कोरोना पीड़ितों की मदद की या लगातार किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष मदद कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं, तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं।